खुश आमदी असल क्या हाल है उम्मीद खैरियत से होंगे अल्लाह पाक हम सबको अपने पे रखे आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली एन ई डी के पास पेपर से रिलेटेड ये वो सवालत थे जब बच्चे पेपर देकर आए और उनसे हमने पूछा कौन कौन से सवाल आते हैं तो उन्होंने जो बताया फिर उसको कंपाइल करके एक जगह जमा कर दिया गया है तो ये सवाल ऑथेंटिक है ये वही सवालात हैं जो अमन पास पेपर के अंदर एन के अंदर भी आते हैं और इसके अलावा कहीं और आप पेपर वगैरह दे रहे हो एम डी कैट दे रहे हो या तो नस का टेस्ट दे रहे हो या तो कहीं भी इंट्री टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो उसके अंदर भी इसी तरह के सवालात आपके मिल रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर आप कहीं पर भी पेपर दोगे फिलहाल ये स्पेशली एनएडी से रिलेटेड है एन ए के अंदर तो इसके सवाल आपके टकराएंगे ये 2001 का है इसके बाद फिर हम 2002, 2003, 2004 हर वीडियो के अंदर हम एक एक ईयर को कवर करेंगे इस करंट ईयर तक का तो सबसे पहला सवाल हमारे पास जो नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा द मास इन ग्राम ऑफ थ्री पॉइंट की पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अच्छा इस तरह के नोमेकल वाले सवाल ना आपके पास पेपर में आ रहे होते लेकिन आपको ना यहाँ पर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है कि भाई मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इस तरह का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपने कॉन्सेप्ट की मदद से इस पर काम करना है देखिए सवाल के अंदर आपसे कह रहे हैं कि आपने एस टू ओ के हवाले से बात करना है कि भाई वाटर है और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थ्री पॉइंट जीरो ट्वेंटी थ्री है उस वक्त वाटर का वजन क्या होगा यानी कि मास पूछ रहा है तो एक चीज आपको नॉर्मल पता होता है कि भाई वन मोल ऑफ एच टू एक मोल के अंदर कितने मोलर मास होते हैं तो ये सबको पता होना चाहिए कि एटीन ग्राम एच होता है ठीक है अब एक मोल के अंदर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेक करें तो एवं गाठो नंबर सबको ही पता है कि 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर 23 थ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ तक तो हो गई बात सारी बात है किसके लिए एच टू ओ के लिए अब आपसे सवाल में पूछ रहा है कि जब मॉलिक्यूल कितने हैं थ्री पॉइंट जीरो तो वन तब आप ये सोचिए कि इसको किस वैल्यू से डिवाइड किया जाए कि ये वैल्यू थ्री पॉइंट जीरो वन बन जाए तो ये अगर मैं इसको टू से डिवाइड कर दूँ तो टू वन जार टू यहाँ पे थ्री ठीक है सॉरी यहाँ पर हो जाएगा टू हाँ सही टू थ्री सा और यहाँ जीरो वैसी और टू वन जो टू यहाँ पर थ्री पॉइंट जीरो वन की पावर ट्वेंटी थ्री जब आपने इसको टू से डिवाइड किया तो इसका मतलब है एटीन को भी मुझे टू से डिवाइड करना चाहिए यहाँ से इसको डिवाइड किया नाइन इसका मतलब आया नाइन ग्राम तो आपको इसके अंदर नाइन ग्राम का ही आंसर मिल रहा है तो आंसर आपका इसके अंदर बी सही है इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है थ्री एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड एक्स वाई जेड यानी तीन एलिमेंट है एक्स एक वाई और एक जेड इन तीनों एलिमेंट को मिलाया गया मिला कर क्या बन गया भाई एक्स वाई जेड एक कंपाउंड बनाए अब आपसे पूछा जा रहा है बताएं इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी क्या वो एक्स की तरह होगी या वाई की तरह होगी या जेड की तरह होगी तो इसको समझने का आसान सा तरीका है कि भाई आपने एक एन ले लिया और दूसरा सी ले लिया अच्छा प्लस भी लगा देता हूँ तो एन और सी को मिलाओगे तो एन नमक बन जाएगा अब मैं पूछूंगा एन की प्रॉपर्टीज़ क्या एन एन एस जो है नमक की प्रॉपर्टीज एन की तरह सी एल की तरह तो भाई एन की प्रॉपर्टीज अलग है सी की प्रॉपर्टीज अलग है और एन की प्रॉपर्टीज अलग है तो यहाँ पर दो एलिमेंट है यहाँ पर जो सवाल में उन्होंने कहा तीन एलिमेंट मिलाया एक और समझने के लिए भाई कैल्शियम ले लिया और साथ में कार्बन ले लिया और साथ में ऑक्सीजन ले लिया इन तीनों एलिमेंट को मिलाया और मिलाकर बना दिया सी एस सी ओ थ्री अब मैं आपसे पूछूं सी एस सी ओ थ्री की प्रॉपर्टीज क्या कैल्शियम से मैच कर रही है कार्बन से ही ऑक्सीजन से

चार कंपाउंड नीचे आपको नजर आ रहा होगा अब आपको बताना है इसके अंदर कि किससे इसका जो मास कम, यानि कि जो मास मास वगैरह बता रहे किस चार में से कंपाउंड से मैच कर रहा है तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास नजर आ रहा है वो है फोर्टी सिक्स ग्राम ऑफ एने तो अब आप चेक करिए फोर्टी सिक्स एक सोडियम का कितना होता है ट्वेंटी थ्री इसका मतलब है कि एने कितनी बार होना चाहिए टू टाइम होना चाहिए तो आप देखिए एन ए चारों में से किसके अंदर दो बार तो है बी ऑप्शन खत्म हो गया सी ऑप्शन भी रहा यानी कि ए रहा बी कट गया इसके अलावा डी भी कट गया क्योंकि डी के अंदर भी एन ए एक बार नजर आ रहा है अब रहा हमारे पास दो या तो ए होगा या तो सी होगा अगला जाए 12 ग्राम उसके अंदर कह रहा है कार्बन तो ए में भी बारह ग्राम कार्बन है और सी में भी बारह ग्राम तीसरे में आइए 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, 16 को थ्री से मल्टीप्लाई करिए 48, ए में भी 48 ग्राम है सी में भी 48 ग्राम है अब बच गया है 180 ग्राम ऑफ एच या तो ए में एक सौ अस्सी ग्राम होना चाहिए या तो सी में होना चाहिए तो देखिए फाइव एच टू ओ चले यहाँ पर लिख देता तो फाइव एच इधर है और इस वाले में कितना है टेन एच टू का मोलर मास कितना है तो ऑक्सीजन का सोलह अठारह अठारह को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या एक सौ अस्सी बन रहा है नहीं अठारह को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नब्बे बनेगा जबकि अठारह को आप दस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी ग्राम इसका मतलब है जो सी आपको नजर आ रहा है वो वाला ठीक है इस तरह से नेक्स्ट आपसे इसके अंदर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट चौथा हाँ पी ब्लॉक एलिमेंट से कौन सा ताल्लुक रखता है सोडियम एन ए आरबे रेडियम ए सी जो है आ, सी में कार्बन ही रखा हुआ और डी के अंदर ऑल ऑफ देम देखिए इसके लिए आपको प्रोडिक्टेबल थोड़ा बहुत याद होना चाहिए तो वैसे भी कार्बन सबको भी पता है कि पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिक्स आप कर लो वन एस टू टू एस टू और टू पर टू एलि इलेक्ट्रॉन जाके पी में रुक रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है और वैसे भी अगर सोडियम रबीडियम का थोड़ा बहुत आपको टेबल याद करना आना चाहिए वैसे अगर नहीं याद किया तो मेरे चैनल के अंदर इसका पूरा ट्रिक मौजूद है तो अगर पहले लाइन में जाइएगा नहीं देखिए हा ली ना के रब सिज फरियान ये ग्रुप वन है ग्रुप वाने का ताल्लुक किससे होता है भाई एस ब्लॉक से ये तो पूरा आपका चैप्टर वगैरह एस ब्लॉक पी ब्लॉक डिटेल में बना हुआ होता है तो देखिए सोडियम भी यहीं पर आ रहा है और रेबेडियम भी यहाँ पर आ रहा है तो ए और बी आपका इस तरह से डायरेक्ट खड़ी है अच्छा जी अगला सवाल आपको नजर आ रहा होगा वन कैलोरी इज इक्वल टू एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है तो ये आपको रटा रटाया होता है 4.184 जूल इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो 4.184 किलो जूल पहला वाला ए ही सही है ठीक है और इसके अलावा ना बा अगर पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई वैल्यू दे दिया जाता है जूल में और उसको कहा जाता है कैलोरी में कन्वर्ट करने तो बाज़ अगर बच्चे परेशान हो जाते कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है क्योंकि ये वैल्यू तो याद हो जाती है कि फोर लेकिन कब डिवाइड और कब मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए ना याद करने का तरीका होता है हम कराची के अंदर रहते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो सभी को अंदाज़ा है कि एक फाउंडेशन है जिसका नाम है जे डी सी ये रहा ये डी सी जब आप जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करते हो ना तो डी वाला काम करते हो क्या मतलब जूल से कैलोरी में जाना है तो आपने डिवाइड करना कौन सी वैल्यू से ये वाली वैल्यू फोर पॉइंट वन एट फोर फोर पॉइंट वन एट फोर और अगर कैलोरी से जूल में जाना है तो अब एक चीज तो जब जाने के लिए ये रास्ता जो आ रहा है डिवाइड का आ रहा है तो वापसी का क्या होना चाहिए कैलोरी से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई वैल्यू फिक्स है फोर पॉइंट वन एट फोर तो ये आपका पांच सवाल हो गया इसको जो लिखना है लिखिए फिर हम अगले वाले में आते हैं छठे सवाल की तरफ जी छठा सवाल आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर से, से ताल्लुक रखता है कि हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं इसमें एक गलत फहमी बच्चों के दिमाग में होता है कि भाई फॉर्मूले के मुताबिक तो ये होता है सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कि आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ आपने इसका एक रेट एक्सप्रेशन बनाया और आपके रूल के मुताबिक है भाई ये दोनों जो है एक्सपोनेंट हैं इन दोनों को आपस में सम करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आ जाएगा तो बात तो ठीक है लेकिन जो ये जो वैल्यू निकल कर आ रही होती है ना ये असल में डायरेक्ट इक्वेशन से नहीं निकलता भले हम इस इंटर लेवल के अंदर ये भक्ति तौर के कराया जाता है लेकिन आपको डिटेल में पढ़ाया भी जाता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है ये बाय एक्सपेरिमेंट निकल कर आ रहा होता है एक्सपेरिमेंटली किया जाता है क्योंकि बाज अवकात ऐसा भी हो सकता है कोई रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर जो बी रिएक्शन है ना वो इंतहाई अब अगर मैं इसका बोलूँ भाई ऑर्डर ऑफ ऑर्डर निकालना है तो आप कहोगे भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हो जाएगा दो और एक तीन है लेकिन अगर सवाल में कुछ ऐसा हो जाए भाई इस इक्वेशन के अंदर जो बी है वो बहुत फास्ट मूव कर गया बहुत फास्ट उसका रिएक्शन हुआ है तो इसका मतलब है बी का जो वैल्यू है ना वो ऐड नहीं होगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू बन जाएगा ये खत्म हो जाएगा वक्ती तौर के लिए इसी तरीके से अगर ऐसा कुछ कहानी आ जाएगा भाई रिएक्शन के अंदर ए जो है बहुत फास्ट है तो ए का जो आप मेरे पास कोविशन नजारा खत्म हो जाएगा सिर्फ बी रह जाएगा और बी के साथ यहाँ पे वन है तो इसका ऑर्डर वन हो जाएगा तो ये सारा जो निकल कर आ रहा होता है ना ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है ये कोई भी रिएक्शन है ना रिएक्शन को देखकर डायरेक्ट हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते उस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म को चेक करना पड़ता है जैसे अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो एस एन वन और एस एन टू ये जो एस एन वन और टू आता कहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही तो आ रहा होता है तो वह बाय मॉलिक्यूल और यूनि मॉलिक्यूल पूरा डिटेल में जाइएगा तो आपके पास जो निकल कर आ रहा होता है ऑर्डर रिएक्शन वो असल में एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकल कर आ रहा होता है तो यही लिखा हुआ है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट दूसरे में लिखा हुआ है बाई ऑब्जर्विंग द टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जितना मॉलिक्यूल आप बोलिएगा कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ए और एक ये तो दोनों को मिला के सम कर दे तीन तो ये जवाब गलत है ये आप नहीं लगा सकते फ्रॉम केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन से तो मुझे लग रहा है दो और एक तीन ऑर्डर आना चाहिए लेकिन बाद अगर केमिकल इक्वेशन कुछ और होता है और उसका ऑर्डर कुछ और निकल कर आ रहा होता है तो असल में जो सारी चीज़ें निकल कर आ रही होती है वो मेकेनिजम और एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकल कर आ रही होती है तो इसका आंसर बी सही है अगले वाले में आते हैं द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सी एच और ओ ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपको इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा तो कैसे बताएंगे इस कंपाउंड का जो जो भी कंपाउंड यहाँ आने वाला है ना हम मुझे अभी नहीं पता ठीक है कि चार ऑप्शन दिया हुआ लेकिन उस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास उसने सवाल में बता दिया देखिए द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सी इट्स मॉलिकुलर मास इज वन यानी कि यहां पे जो कंपाउंड आएगा उसका मॉलिकुलर मास 120 होगा तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है चारों में से चेक कर लीजिए किसका 120 बन रहा है देखिए सबसे पहला जो है C2H4O2 कार्बन का बारह बारह कितना होगा ए में अगर चेक करते हैं तो ए के हिसाब से बारह बारह चौबीस हो जाएगा हाइड्रोजन का चार हो जाएगा और ऑक्सीजन का सोलह होता है तो सोलह को डबल कर दिए बत्तीस क्या इन सबको सम करने पर एक बन रहा है तो कहीं से मुझे नहीं लगता बन पाएगा हटा दीजिए बी को चेक करिए बी का कितना है कार्बन का बारह होता है फाइव टाइम है तो सिक्सटी हो जाएगा ठीक है इसके बाद हाइड्रोजन सिक्स हो जाएगा और ऑक्सीजन सिक्सटीन है ये तो वो सॉरी 16 थ्री इज फोर्टी एट क्या इन सबको सम करने पर एक सौ बीस बन रहा है तो ये हो गया छियासठ छियासठ में फोर्टी छियासठ में फोर्टी एट ऐड करिए देखिए क्या बन रहा है आठ छः चौदह और एक इधर छः सात आठ नौ दस ग्यारह नहीं एक सौ चौदह बन रहा है ये भी नहीं हो रहा तीसरे वाले में सी में आइए तो सी में कितना है भाई कार्बन का बारह होता है चार बार है तो बारह बारह चौबीस और उसको चौबी बारह को चार से कर दीजिए डायरेक्ट हो जाएगा फोर्टी एट हो जाएगा और हाइड्रोजन का वन होता है तो ये एट हो जाएगा आठ बार है ऑक्सीजन का सोलह होता है तो सोलह सोलह बत्तीस ये सबको करिए तो सिक्सटी फोर हो जाएगा इन सबको सम करिए क्या ये एक सौ बीस बन रहा है तो फोर्टी एट और एट और इसके अलावा सिक्सटी फोर आठ आठ सोलह सोलह में चार ऐड करो बीस हो गया जीरो इधर दो ऊपर गया दो चार और दो छः 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 बारह एक सौ बीस इसका मतलब है जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है तो इस तरह से आंसर निकल कर आ गया ये तो तरीका था कि इस मेथड के अब मैंने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में किया आप डायरेक्ट ओरली अपने दिमाग में कर सकते हो अब क्या इसका कोई फॉर्मूला वगैरह होता है तो हाँ भाई फार्मूला भी इसका आप लगा सकते हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उस चक्कर में आप ना जाओ तो बेहतर है अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन हैव मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल इथाइन है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने तो इथाइन मॉलिक्यूल कौन सा है तो ये होता है इथाइन भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम इथा एसिटाइलिन भी होता है तो ये हमारे पास कंपाउंड इथाइन का अब इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड तो भाई जो सिंगल बॉन्ड है ये तो सिग्मा होता है ये कन्फर्म है ठीक है तीन बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके बाद अगला पाई और उसका भी पाई तो टोटल तीन सिग्मा होगा दो पाई होगा किससे मैच कर रहा है तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से तीन सिग्मा और दो पाई इसके अलावा नवा जो आपके पास एम सी क्यूज है द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज तो हीट का यूनिट क्या होता है तो हीट का यूनिट जूल भी होता है कैलोरी भी होता है लेकिन ऐसा ही यूनिट अगर हम चेक करें तो हमेशा इसका जूल होता है तो जो लिखना है इसमें लिखें फिर हम आगे बढ़ते हैं अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन दसवें क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है के पी इज ग्रेटर देन के सी अब इसके अंदर तीन केस बनता है उससे पहले एक चीज जो बच्चे बाज होकर भूल जाते हैं और ग्रेटर देन का सिंबल तो देखिए जो एल की तरह दिखेगा ना अब एल किसकी तरह एल कैसे बनता है यू बनता है ना एल तो इसका और इसका आपस में एक जैसा हम चाहे सिमिलर है ये दोनों है तो ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है क्योंकि पेपर के अंदर ना बच्चे का ये भूल जाते हैं तो देखिए सबसे पहले के पी और के सी के दरमियान ये रिलेशन है ये एमसीक्यूज भी पेपर के अंदर आपसे पूछ लिए जाते हैं अब इस रिलेशन के नतीजे में तीन रिजल्ट हमारे पास आता है कभी कभार तो ऐसा होता है केपी और केसी बराबर हो जाता है कभी केपी की वैल्यू कम हो जाती है केसी से कभी ऐसा होता है केपी की वैल्यू केसी से ज़्यादा हो जाती है तब तो आपसे ये वाला रिलेशन यहाँ पर ये वाला रिजल्ट इस रिलेशन से रिजल्ट निकाला गया है और पूछा गया है कि इस वाले में प्रोडक्ट का मोल बढ़ जाता है या रिएक्टन का मोल कम हो जाता है रिएक्शन का मोल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जाता है चार ऑप्शन दिया हुआ तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ एक्सप्लेन कर दूँ ताकि जिन बच्चों ने इसके बारे में नहीं याद है भूल गए हैं देखिए ये दोनों कब होता है जब रिएक्टेंट का मोल और प्रोडक्ट का मोल दोनों बराबर है क्योंकि डेल्टा एन है ना यहाँ पर मोल है अब ये कब होगा जैसे कि एक इक्वेशन बनाता हूँ यहाँ पर टू एच आई ठीक है और एच टू प्लस का आई टू यहाँ पर कितने मोल है दो मोल यहाँ पर भी कितने मोल है एक इधर एक इधर एक और एक कितने हो गए दो मोल जब दोनों मोल बराबर हो जाएगा तो उस वक्त के पी और केसी के सी की वैल्यू बराबर हो जाती है दूसरे वाले में आए कि के पी की के वैल्यू के सी से कब कम होती है जैसे एक इक्वेशन में बना रहा हूँ यहाँ पर पी सी एल थ्री प्लस का सी एल टू और इससे बन रहा है पी सी एल फाइव यहाँ कितने मोल है एक मोल इधर एक मोल इधर एक और एक कितना मोल हो गया दो मोल हो गया यहाँ पे कितना मोल है एक मोल है तो देखिए रिएक्टेंट साइड में दो मोल है प्रोडक्ट साइड में जाने के बाद कितने मोल हो गए वन तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि प्रोडक्ट साइड में मोल कम हो जाए तो उस वक्त के पी की के वैल्यू के सी से कम हो जाती है तीसरा कंडीशन कब है कि ये इसके लिए भी इक्वेशन लिख देता हूँ कि एक इक्वेशन हम बना लेते हैं टू एसो थ्री और इससे बन रहा है टू एसो टू प्लस का ओ टू यहाँ पे कितने मोल है दो मोल है यहाँ पर दो इधर है और एक इधर है दो और एक तीन मोल तो प्रोडक्ट साइड में मोल अगर बढ़ जाए तो उस वक्त के पी के वैल्यू केसेज ज्यादा हो जाती है यानी कि प्रोडक्ट में बढ़ जाएगा तो अब आप आंसर मैच करिए किससे मैच कर रहा है तो देखिए पहले वाले में लिखा हुआ है कि मोल ऑफ प्रोडक्ट आर लेस क्या प्रोडक्ट का मोल लेस होता नहीं बिल्कुल गलत है दूसरे वाले में आते मोल ऑफ प्रोडक्ट आर मोल मोर के प्रोडक्ट का जो मोल है वो बढ़ जाता है जब आप दूसरा वाला ठीक है दूसरे में आप टिक लगा सकते हो तीसरा भी फिलहाल हम पढ़ लेते तीसरे में लिखा हुआ है मोल मोल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो भाई रिएक्टेंट का मोल ज्यादा है इस वाले कंडीशन में और डी वाले में क्या कर मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल वो इसमें होता है जब दोनों इक्वल हो जाए अच्छा इसका मैंने अपने टाइम में ना याद रखने के लिए जुगाड़ बनाया हुआ अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ये बताता रहता हूँ कि बाजू का भूल जाते हैं ठीक है अगर ये प्रोडक्ट है ना ये कौन सा साइड है प्रोडक्ट साइड है अगर प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट किससे आता है पी से आता है अगर प्रोडक्ट साइड में बढ़ रहा है मोल तो अगर पी बढ़ रहा है ना तो यहां से मैं इसका रिलेशन बना के आप रख लेते तो यहां भी पी बढ़ेगा यानी ट्रिक है कि यहां अगर पी बढ़ रहा है तो यहां पर भी पी क्या होगा केसी से ज्यादा ही होगा यानी अगर प्रोडक्ट ज्यादा तो यहां पर पी पी ज्यादा तो यहां पर भी पी ज्यादा यहां पर यह प्रोडक्ट है ठीक है प्रोडक्ट पी पी कम हुआ है तो यहां पर भी पी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो जुगाड़ है कोई इसका बुक वगैरह में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ अपने आप को याद रखने के लिए क्योंकि पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होता है किसी और से पूछे वहां पर मशवरा करें जो करना आपने खुद से करना है तो ये आपके पास एम सी क्यूज नंबर टेन भी हो गया इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है ग्यारहवा सवाल है सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट सोल्यूट कैन बी एडिड रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड यानी कि कोई सोल्यूशन है जब उसके अंदर सोल्यूट मजीद एड ना हो देखिए जब तक एक गिलास है उस गिलास के अंदर आपने पानी लिया एक चम्मच शुगर ऐड किया दो चम्मच किया तीन चम्मच किया जब तक शुगर ऐड हो रहा इट्स ओके उस टाइम तक उस सोल्यूशन को हम कहेंगे अनसेचुरेटेड क्योंकि सारा समझ लीजिए कुछ चारों ऑप्शन दिया हुआ तीनों ऑप्शन दिया हुआ अब उसके बाद आपने मजीद सॉल्यूट को ऐड किया रूम टेम्परेचर में वो कहेगा नहीं अब मैं इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता तो वो क्या करेगा नीचे बैठ जाएगा यहाँ पर आने के बाद जब मजीद उसके अंदर यानी कि डिज़ोल्व होने की ताकत ख़त्म हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं सेचूरेटेड इसलिए ए ऑप्शन ठीक हो गया अब सी है सुपर सेचूरेटेड जब हम इसे हीट देख एक्स्ट्रा हीट दे रूम टेम्परेचर से जाहिर जहा से है बढ़ जाएगा आप इसको 80 डिग्री में ले जाओ 100 डिग्री में ले जाओ तो उस टेम्परेचर में जब ये डिजोल्व होगा उसके अंदर मजीद सोलबल हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम सुपर सेचूरेटेड अब बात आती है सर ये कोलेडल सोलूशन क्या है तो ये एक अलग चीज़ है ये सोलूशन सस्पेंशन और हाँ सोलूशन एंड सस्पेंशन के दरमियान का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कोलेडल सोल्यूशन इसके अंदर सोलूशन के जो होता है वो सोलूशन uh, के अंदर सोल्यूट जो पार्टिकल होते हैं उसके साइज़ बहुत छोटे होते हैं सस्पेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इन दोनों के दरमियान में एक आता है कोलिडल सोल्यूशन उसके बारे में डिटेल आपके बुक के अंदर मिल जाएगा पूरा डिफरेंस करके लिखा हुआ होता है इसके अलावा ग्यारहवा के बाद बारहवा जो हमारे पास नजर आ रहा है डी टू डी टू ओ अब ये क्यों है तो ये भाई वाटर का कज़न है वाटर का भाई है डिटोरियम डी मतलब होता है डिटोरियम वाटर की तरह होता है वाटर मैच टूओ होता है ये नॉर्मल है और ये हमारे पास नॉर्मल वाटर नहीं है हेवी वाटर के नाम से जाना जाता है याद रखिएगा इस वाटर का एक और नाम होता है हेवी वाटर क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती है ठीक है और इसके अंदर रहा है, है? तो है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो आपको ए नंबर में है वो अगर अच्छा छब्बाजो करना है इसका पूछ लिया जाता है मूलर मास क्या हो जैसे इसका मोलर मास तो हाइड्रोजन का वन होता है टू टाइम है तो दो और ऑक्सीजन का सोलह दोनों को मिलाइएगा तो अठारह दो और सोलह अठारह ऑक्सीजन का तो अब भी यहां पर भी सोलह होगा बात है का कितना होता है अगर ड्यूटेरियम का पता चल जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्यूटेरियम असल में ये है आइसोटोप्स का है ना ये वाटर वाला H11 और 21 तो इसका मोलर मास जब निकालते हो तो 2 निकल कर आता है तो ड्यूटेरियम का 2 22.4 4 में जब 16 को ऐड करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 20

एक होता हमारे पास एन ए टू सी ओ थ्री इसको सोडा आश कहते हैं ठीक है थीके? लिखते जाइए आप इसके अलावा एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू क्योंकि सारे आपके ऑप्शन के अंदर मौजूद है इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा ठीक है ये बेकिंग सोडा सोडा आश वॉशिंग सोडा अब इन सब का ना केमिकल नेम भी का पूछ लिया जाता है तो देखिए इसको कहते हैं सोडियम बायकार्बोनेट ठीक है और ये कहलाता है सोडियम कार्बोनेट ठीक है नीचे वाला जो है वॉशिंग सोडा है, इसको कॉमन नेम है जिसका नाम कॉमन नेम तो है सोडा बेकिंग सोडा है लेकिन केमिकल नेम ये जिससे इसका केमिकल नेम निकालेंगे तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको अब ये दोनों तो एक जैसा हो गया दस बार इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल है दस को हम बोलते हैं डेका और एच है तो हाइड्रेट तो एम एक पूछा गया ये वाला लेकिन आपको जो जो इसके अंदर से पूछा जा सकता है माजी के मैं इस तरह के सवालत तो और भी पूछे गए हैं इसी के अंदर से तो जो जो हो सकता था सारा मैंने इसके अंदर लिख दिया अच्छा भाई आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा होता है तो भाई टेम्परेचर में डिपेंड करता है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा कंसनटेशन ऑफ रिएक्टन रिएक्ट ट्रेंड को अगर कहीं पर हम बढ़ा रहे होते हैं ना रिएक्टेंट कंसनट्रेशन को तो उसके ना कॉलिजन बढ़ता है जब इफेक्टिव क्वालिजन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक रिएक्शन तेजी में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा डिपेंड करिए सरफेस एरिया कम या ज्यादा करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा होता है तो इसके मुताबिक ऑल ऑफ दी अब फैक्टर जो पर आपको तीन फैक्टर नजर आ रहे हैं उन सब में बढ़ते हैं लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है आपको इसके साथ एक और कुछ इंफॉर्मेशन और भी होना चाहिए क्योंकि ना कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है तो भाई ये कैटलिस्ट पे बुक में भी लिखा हुआ होता है कि अगर कैटलिस्ट को बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजिंग आ जाता है अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा एक कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और कम भी हो सकता है इसका मतलब कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है इसके अलावा ना रेडिएशन ठीक है रेडिएशन पर भी डिपेंड करता है रेडिएशन मतलब सनलाइट भी आप कह सकते हो या तो और भी कोई सोर्स से आप लाइट ले रहे हो या तो अल्ट्रा लाइट ले रहे हो तो रेडिएशन वगैरह की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है तो इस तरह के रिएक्शन जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं जो सनलाइट की मौजूदगी में होता है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शन का हमेशा ऑर्डर जीरो होता है कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें ताकि एक ही एम से जो कई एम पूछे जा सकते हैं वो सब मैं इसके अंदर बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी होगी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छा इसके अलावा नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये भी बुक के अंदर मौजूद होता है ठीक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट ठीक है बुक के अंदर आपको सबसे पहले ये नजर आता है जब आप फैक्टर अफेक्टिंग और रेट ऑफ रिएक्शन याद करते हो तो भाई नेचर ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टन का साइज़ बड़ा है रिएक्टन का साइज छोटा है अगर रिएक्टन का स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का होता है स्ट्रक्चर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ और जल्दी हो सकता है तेज़ और जल जो भी है तो इसके अलावा एक और आते हैं प्रेशर की तरफ ठीक है प्रेशर बुक के अंदर नज़र नहीं आता है लेकिन प्रेशर की वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजिंग आ सकता है लेकिन इन केस ऑफ गैस ये सिर्फ गैस के केस के लिए बात हो रहा है कि अगर कोई गैस वाला कंडीशन है तो वहां पर प्रेशर के बढ़ाने या कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है या कम हो सकता है तो चार ये और तीन आपके ऑप्शन में टेम्परेचर कंसनट्रेशन ऑफ और सरफेस है टोटल मिला के देखा जाए तो तीन वहां हो गया चार पाँच छः सात ये सातों आपके सामने रख दिया सिर्फ ये वाला जो है वो प्रेशर वाला जो गैस के लिए अदरवाइज बाकी जो नॉर्मल हमारे कोर्स के अंदर रखे जाते हैं सारे इसके अंदर मौजूद है अच्छा भाई ये जो लिखना है लिखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ एम नंबर फिफ्टीन की तरफ 15 में कह रहा है कि हाइड्रोजन इज लाइब्रेटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ यानी कि कैथोड कैथोड का मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा कैथोड इसी को कहते अब अगर हमने एस सी एल का इलेक्ट क्या करवाना इलेक्ट्रोलाइसिस ही कह रहा होगा हाँ एस सी एल तो भाई यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज जहाँ कैथोड है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है एनोड भी को दोनों ही बना देता हूँ पूछा जा रहा है हमसे कैथोड के लिए तो भाई अगर इसको करोगे तो जाहिर सी बात तो है ये यहाँ पर जाएगा और हाइड्रोजन तो कहाँ जाएगा कैथोड की तरफ तो जाएगा ठीक है और ये दूसरा वाला एनोड ठीक है एच पर जाहिर तो बात है एच पर पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव होता है तो इसके मुताबिक ये रूल हो गया दूसरे वाले में आ जाइए हाइड्रोजन जाएगा कैथोड की तरफ हाइड्रोजन इज लाइब्रेट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एस सी एल में ये कहानी होगा एच टूओ में चेक करिएगा तो भाई एच टू का भी तो कहानी यही है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आता है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव पे जाएगा और हाइड्रोजन हमारे पास जाएगा यहाँ पर कैथोड कैथोड की तरफ हाइड्रोजन इज लाइब्रेटिड कैथोड एस सी एल में भी हाइड्रोजन कैथोड में जाएगा एस टू में भी कैथोड में जाएगा एक बात आ रहा है एन एस सी एल का तो भाई एन एस सी एल में तो हाइड्रोजन ही नहीं तो इस ऑप्शन को हटा दो अब दोनों ऑप्शन सही है एस सी एल भी सही और एस टू भी सही है इसलिए आपके पास डी ऑप्शन वाला ओके okay कर दीजिए वहां पे एस सी एल भी और एच टू ओ भी है अच्छा जी अगला वाला नज़र आ रहा होगा द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एम सी यूज नंबर सिक्सटीन में इंक्रीज द रिएक्शन प्रोसीड डिक्रीज द रिएक्शन प्रोसीड कुछ बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती कर जाते हैं और इसके बाद बोथ ए एंड बी और रिमेन कॉन्स्टेंट एज द रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता ये है कि जब कोई भी केमिक, ये ये वाला रिएक्शन की बात करो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आगे जाने वाला ये रिवर्सिबल वाले की बात ही नहीं कर रहा है ठीक है याद रखिएगा उसमें यही पूछा द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आगे जो जा रहे हैं उस पर हमने बात करनी है कि ए है और ये बी है तो स्टार्टअप में जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होता है ठीक है प्रोडक्ट तो खाली होता है तो यहाँ कॉलिजन बहुत ज्यादा होता है लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस है तो थोड़ी देर बाद ना यहाँ पर चार इधर आ जाएगा तो यहाँ कितना रह जाएगा छः तो अब यहां पर कॉलिजन कम हो होगा यहां इफेक्टिव क्वालिजन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेजी में जब जल्दी डिसम डिसम करेंगे तो जल्दी लिए प्रोडक्ट बनेगा यहां डिसम डिसम आराम से करेंगे तो प्रोडक्ट आराम आराम से बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही डिक्रीज द रिएक्शन प्रोसीड जैसे रिएक्शन मुकम्मल होने की तरफ जाता है तो रिएक्शन का स्पीड कम हो जाता है एमसीक्यूज नंबर सेवनटीन आपसे कह रहा है कि बोरेक्स इज़ अ कॉमनली मिनरल ऑफ अलकली मेटल्स फार्मूलाइज बोरेक्स का केमिकल फार्मूला क्या होता है तो भाई ये केमिकल फार्मूला एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट टेन एच टू ओ ये आपके बुक के अंदर भी एक जगह मिल जाता है और हर ही बोर्ड के अंदर बोरेक्स के रिलेटेड सवाल होते हैं लेकिन कुछ चीज़ें और के भाई इसके दो नाम और भी है बोरेक्स को टिंकल भी बोला जाता है और इसको सुहागा भी कहा जाता है और अगर इसके मुताबिक इसका केमिकल नेम देखा जाए तो सोडियम टेट्राबोरेट ये पूरे का नाम सोडियम डेट्राबोरेट हो गया दस को डेका लिखा और उसके साथ हाइड्रेट एड कर दिया तो ये कुछ चीज़ें आपको साथ में टिंकल्स और सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट ये आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा आठवें अठारवें एम में है कि भाई मिथेन इज आल्सो नाउन एज ऑयल गैस नहीं कहते ये तो सभी को पता मार्च गैस कहते हैं और गैसोलीन किसका नाम है तो भाई पेट्रोल पेट्रोल इज आल्सो नाउन एज गैसोलिन तो पेट्रोल वाला भी आप लोग याद रख लीजिए गैसोलीन का ऑप्शन भी है फिलहाल वो पेट्रोल के लिए होता है अभी मिथेन के लिए पूछा अगला पूछा ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मुश्तमिल हो कार्बन और हाइड्रोजन पर तो उसको कौन सा कहेंगे तो एल्डिहाइड डी कैसा होता है ये एल्डिहाइड आर सी डवन, ओ के साथ है इसके अंदर तो हाइड्रोजन भी आएगी तो हम इसको हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट नहीं बोलते इसको डायरेवेट ऑफ हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है इसी तरह से अगला दूसरे में दिखा कीटोन तो कीटोन ये होता है आर सी डब्लू ओ के साथ आर तो भाई यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ गया तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन ही आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन दो ही आ रहा है तो डी में जाइएगा तो नॉन ऑफ दी अब कुछ भी नहीं उसके अलावा डेल्टा एच रिप्रेजेंट तो डेल्टा एच तो भाई एच जो होता है इंथेल्पी के लिए होता है तब एच के साथ डेल्टा भी लगा तो डेल्टा चेंज के लिए होता है तो इसके अंदर ए ऑप्शन में इंथेलपी और सी के अंदर चेंज इन थेरेपी बाकी बी और डी तो वो हटा दीजिए उस वो हमारे किसी काम का नहीं है तो यहाँ पर यही आएगा चेंज इन इंथेलपी में तो ये आपका बिसवा भी हो गया अब इसमें जो लिखना लिखे फिर हम आगे के एम को चेक करते हैं एम नंबर ट्वेंटी वन आर सबस्टेंस फ्रॉम प्रिस्पेट वैन इट्स के कोई सब्सटेंस पीपीटी कब बनाता है केमिकल एक्मेरियम वाले चैप्टर के अंदर इसके नुमेरिकल भी डले हुए रहते हैं मैंने इसका एक ट्रिक निकाल के लिख दिया जो पूरे चीज़ों का खुलासा है यानी मरकजी ख्याल है जो जिस पर पूरा ये बेस कर रहा होता है अगर आयोनिक प्रोडक्ट क्योंकि ना एक के, हर चीज़ का ना अपना के पी स्टैंडर्ड होता है हम जो निकालते हैं वो आयोनिक प्रोडक्ट निकालते हैं पूरा निकालने का मेथड के केस पी की तरह होता है लेकिन हम उसको आयोनिक प्रोडक्ट के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो हो वो अगर के पी से ज़्यादा आ जाए तो पीपीटी बनेगा यानी कि जो आयोनिक प्रोडक्ट है ना जो हमने निकाला है अगर वो केस पी से ज़्यादा आ जाए ज़्यादा का मतलब ये ग्रेटर देन का सिंबल डाली भी बताया तो ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल जो एल की तरह होता है तो ग्रेटर देन का ये वाला तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब है पीपीटी बन जाएगा तो हमारे पास पहला जो लगा हुआ आयोनिक प्रोडक्ट पहला वाला ही सही है हाँ अगर ऐसा हो जाए उल्टा आ जाए कि भाई आयोनिक प्रोडक्ट इज़ लेस देन केस पी तो ऐसे कंडीशन में पीपीटी नहीं बनता है तो ये आप लोगों ने ज़रा याद रख लेना है तो इसके मुताबिक पहला वाला ठीक है ए इसके बाद आगे है कि भाई वैन डिफरेंस अराइज डिफरेंस अराइज बिटवीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू देन दिस डिफरेंस इज नाउन एज यानी कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते के आप जी के वैल्यू जो हम जानते हैं नाइन जा आप जरा इसको खुद से निकाल के पेंटलम के थ्रू निकालिए तो कभी भी वैल्यू नाइन नहीं आएगा तो जो हम निकालेंगे वो ऑब्जर्व वैल्यू होगी और जो एक पहले से मौजूद है वो एक्चुअल वैल्यू तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं तो फिजिक्स के अंदर भी बहुत डिटेल में सारा चीज पढ़ाया जाता है अच्छा एमसी नंबर ट्वेंटी थ्री अमोनिया गैस कैन बी ऑप्टेन बाई हीटिंग एंड अमोनियम सॉल्ट विथ एसिड के साथ जब आप अमोनियम अमोनियम सॉल्ट कोई भी ले लीजिए ज़्यादातर यही है कि एन एच फोर सी एल अब इसका रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाएं या तो हम एन अल्कलाइन कोई बेस के साथ करवाएं तो ये नॉर्मल ना एक रिएक्शन एक कोर्स के अंदर ही इस तरह के रिएक्शन होते हैं जब आप इसको एन ए ओ एच के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज यहाँ प्लस यहाँ माइनस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा ये इसके साथ जाएगा मिलकर बनाएगा एन ए सी एल ठीक है ये जाएगा इसके साथ और ये बनाएगा एन एच फोर ओ ए अब ये जो कंपाउंड है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये ज्यादा देर तक रहता नहीं है जैसे कि आप लोगों ने एक कंपाउंड कार्बनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री ये कार्बनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक का प्रेशर देकर इसको लॉक रखा जाता है जैसे ही प्रेशर को हटाते तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से उड़ना शुरू हो जाता है और वाटर उसके अंदर रह जाता है इसलिए जब कोल्ड ड्रिंक को आप पंद्रह मिनट बाद पीते हैं तो आपको जायका नहीं मिलता है क्योंकि उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुका होता है इसी तरह से ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है जैसे ही ये दोनों कंपाउंड बनता है ये थोड़ी देर के लिए बनता है और उसके बाद ना अगर प्रेशर वगैरह डाल के रखे तो एक अलग बात है लेकिन जैसे इसको हम छोड़ते हैं तो एन अलग हो जाता है और एच अलग हो जाता है तो इस तरह से जो हमारे अमोनिया बन गया अमोनिया एन को कहा जाता है तो इस तरह से एन अलकली और एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट वो इसके अंदर नहीं आएगा अच्छा जी इसके बाद एमसीक्यूज नंबर ट्वेंटी फोर है उसके लिए मुझे जगह चाहिए होगा पहले इसको जो लिखना है लिखिए फिर मैं एमसीक्यूज ट्वेंटी फोर में जाता हूँ अच्छा जी एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी फोर बॉरिक एसिड से इसका ताल्लुक़ है जो कि अब कराची बोर्ड के अंदर के बुक से सवाल हटा दिए गए लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब भी ये मुख्तलिफ बोर्ड के अंदर ये सवाल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और किसी और जगह आप टेस्ट देने जाओ तो हो सकता है ये सवाल आपका आ सकता है तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है भाई एच थ्री बी ओ थ्री अच्छा बोरिक एसिड का ही कौन नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड ये भी मैंने साथ में लिख दिया है यहाँ पर और ये एक वीक एसिड होता है जब बोरिक एसिड को आप सौ डिग्री में जब अब उसको हीट देते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेटाबॉलिक एसिड और इसका फार्मूला ये होता है एच बी ओ टू क्योंकि सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कहीं और टेस्ट भले एनडी के अंदर आपसे नहीं आएगा सवाल लेकिन कहीं और ये सवाल आप टेस्ट देने जाओगे वहाँ पर ये सवाल एग्जिस्ट कर सकता है इसी तरीके से जब एच बी ओ टू बना अब उसको और मस्जिद आप हीट दीजिएगा और उसको एक सौ चालीस डिग्री में अगर लेकर जाते हो तो वो फार्मूला ये बनता है एच टू बी फोर सेवन अच्छी सारा होता है क्या है मेटा टाइटरा ये लोग ना शक्ल चेंज कर रहा होता है ये जो ऑर्थो ये सब शक्ल का नाम है तो तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड या दो तो एसिड 140 डिग्री से ऊपर आप इसको लेकर जाते हो तो ये बनाता B2O3 इसको कहते हैं बोरोन ट्राईऑक्साइड या तो बोरोन एंड हाइड्राइड कहते तो सवाल के मुताबिक जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वहां लिखा बोरिक एसिड वेन हीटेड 140 डिग्री सेल्सियस टर्न टू तो 140 डिग्री में यही बॉरिक एसिड है ना इसी को अगर हमने 140 डिग्री दिया तो क्या बन गया ये टेट्राबरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड तो ए में हमारे पास पायरोबोरिक एसिड है वो टिक लग जाएगा मेटाबोरिक एसिड कब होता है जब आप 100 डिग्री में देते हो तो मेटाबोरिक एसिड में जा रहा होता है डी में सी में क्या ऑर्थोबॉरिक एसिड तो भाई बोरिक एसिड का ही एक और नाम ऑर्थोबॉरिक एसिड है और डी में लिखा हुआ टेट्रा एसिड मिला मत दीजिएगा ठीक है बोलिएगा सर टेट्रा एसिड भी आ रहा है पायरोबोरिक दोनों ऑप्शन दिया हुआ टेट्राबोरिक एसिड अलग है और टेट्रा एसिड ये एक अलग चीज होता है

तो पूरा डिटेल होता था अभी कराची बोर्ड के अंदर सवाल ये पूरा टॉपिक हटा दिए वरना पहले कम अज कम इसके दरमियान डिफरेंस बनाए हुए थे कुछ चालीस पॉइंट बताए जाते थे जिसके बाद ये चीज़ क्लियर हो जाता था कि हाइड्रोजन ग्रुप वन ए का ताल्लुक नहीं है ग्रुप वन ए का नहीं है तो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रही होती तो माजी में हाइड्रोजन को ग्रुप वन ए में भी रखने की कोशिश किया गया था फिर ग्रुप फोर ए में भी रखने की कोशिश किया गया था और ग्रुप सेवन ए में भी क्योंकि हर से हाइड्रोजन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल रख रही थी कौन कौन सा ग्रुप वन ए से रिजेंबल कर रहा था पहले लोगों ने इसको ग्रुप वन ए में रखने की कोशिश किया आज भी आपको ना ये लिथियम के ऊपर ना बा औकत लिखा हुआ नजर आता है लेकिन हकीकत यह है कि हाइड्रोजन का ये लोकेशन सचमुच में है ही नहीं हाइड्रोजन का जो लोकेशन होता है पीरियोडिक टेबल में अगर आप पीरियोडिक टेबल बना हुआ देखते हो तो हाइड्रोजन यहाँ रखा हुआ नजर आता है लेकिन ये लोकेशन नहीं हाइड्रोजन का असल लोकेशन बीच में होता है तो हाइड्रोजन को लोगों ने ग्रुप वन ए में भी रखने की कोशिश किया था लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर कुछ डिसिमिलर हटा दिया गया इसके अलावा हाइड्रोजन की ग्रुप फोर ए में भी रखने की कोशिश किया गया था और इसी तरह से हाइड्रोजन को ग्रुप सेवन ए में भी रखने की कोशिश किया गया था ये हाइड्रोजन फैमिली ये अलकली मेटल और ये कार्बन वाला लाइन है तो तीनों में से किससे भी हंड्रेड परसेंट फिट नहीं था लेकिन हर